एक साइंस के लिमिट्स का पता लगा पाना लगभग इम्पॉसिबल है। वो अपने लिमिट्स को अनलिमिटेड टाइम तक ब्रेक करके एक नए अल्टीमेट पावर और एक नए फॉर्म को अचीव करता है। एक प्योर ब्लडेड साइयन अपने इंजरीज को रिकवर करने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उनकी सबसे खास एबिलिटी ही यही होती है कि वो हर फाइट के बाद उनका पावर लेवल इंक्रीज हो जाता है। एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अपने सन गोकू के अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो हम साइयंस के कंप्लीट हिस्ट्री और उनके डाउनफॉल के ऊपर बात करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर गपशप वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइयंस को एक प्लेनेट ब्रोकर भी कहा जाता है, जिनका मेन बिजनेस यही होता है कि वो दूसरे के प्लेनेट को कैप्चर करके उसे गैलेक्टिक मार्केट में बेच देते हैं। इस बिजनेस को करने से उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले साइयंस एक ऐसे प्लेनेट को सर्च करते हैं जहां पर जीवन हो। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर रिसर्च, वो लोग अपने एक साइयंस को उस प्लेनेट के ऊपर भेजते हैं ताकि वो सेम उस प्लेनेट को कैप्चर कर सके, लाइक अपने सन गोकू की तरह। मोस्टली देखा जाए तो साइयंस एक ऐसी स्पेसीज है जो अपने एंशिएंट टाइम से ही लड़ते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ वायलेंट एंड इनह्यूमन लाइफस्टाइल को ही एक्सेप्ट करके सर्वाइव करना सीखा है, जो कि दूसरों के प्लेनेट्स पर अटैक कर उन्हें कैप्चर करके एक गैलेक्टिक मार्केट में बेचना अमीर बनना है। देखा जाए तो ये भी काफी सही बिजनेस है। साइयंस को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेस भी माना जाता है। यूनिवर्स सेवंस के साइयन नेचुरली अग्रेसिव वॉरियर्स होते हैं, जो कि अपने यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स भी कहलाए जाते हैं। बट यूनिवर्स सिक्स के साइयंस इनसे कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। यूनिवर्स सिक्स के साइयंस को तो प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। अब हम वापस अपने यूनिवर्स सेवन के साइयंस के ऊपर आते हैं। यूनिवर्स सेवन के सभी साइयंस को फ्रीजा ने खत्म कर दिया था। साइयंस को खत्म करने का उसका मेन रीजन क्या था, वो आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। साइयंस का पूरा नाम साई ज्ञान जीन था, जिसे हम साइयंस प्रोनाउंस करते हैं। साइयंस के होम वर्ल्ड प्लेनेट का नाम प्लेनेट सडाला था। सडाला प्लेनेट की नेचुरल ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 10 times ज्यादा थी, जो उन साइयंस को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाती थी। कुछ टाइम के बाद साइयंस का प्लेनेट इंटरनल डिस्कॉर्ड की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अपने प्लेनेट के डिस्ट्रॉय होने के बाद साइयंस ने एक नए प्लेनेट को कॉन्करर किया, जिसका नाम था टफलेस। साइयंस की इस टीम का सबसे पावरफुल वॉरियर किंग वेजिटा था। आगे जाके उसी ने इस प्लेनेट को रीनेम किया था, जिसको आज हम वेजिटा प्लेनेट के नाम से जानते हैं। हालांकि ये बात बहुत से कम लोगों को पता होगी कि साइयंस का एक्चुअल होम वर्ल्ड प्लेनेट कौन सा है। एवरीवन से कि वेजिटा इज द होम वर्ल्ड ऑफ ऑल साइयंस। कोई नहीं, आज सच जान लो। साइयंस की इस क्रूरता को देखने के बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बीरस ने वेजिटा प्लेनेट पर विजिट किया था फॉर वॉर्न। बीरस को भी लगने लगा था कि साइयन एक बेकार और क्रूर नस्ल है, जिसे खत्म कर देना चाहिए। अल्टीमेटली देखा जाए तो बीरस ने ही फ्रीजा को ऑर्डर दिया था कि वो वेजिटा प्लेनेट और सभी साइयन रेस को खत्म कर दे। फ्रीजा ने लगभग सभी साइयंस को वाइप आउट कर दिया था, सिवाय कुछ साइयंस के ग्रुप को छोड़कर। अगर हम साइयन के कल्चर की बात करें तो वो बचपन से ही स्ट्रेंथ और पावर से पजेस होते थे। वो बचपन से ही अपने शरीर की सभी सीमाओं को तोड़ने में लग जाते थे। हर एक साइयंस को उनके पावर और स्ट्रेंथ के बेसिस पर उनको एक अलग अलग ग्रुप में रखा जाता था। जो साइयंस बचपन से हाई पावर और स्ट्रेंथ से पजेस होते थे, उनको वॉरियर लेवल की कैटेगरी में रखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे पावरफुल साइयंस को एक वॉरियर बनाया जाता था एक सेना के रूप में, ताकि वो कमजोर साइयंस की सहायता कर सके। जो साइयंस अपने सीमाओं से कम शक्तिशाली होते थे, उन्हें एक अलग ग्रुप में रखा जाता था। कम पावरफुल साइयंस को इंजीनियर, डॉक्टर या फिर साइंटिस्ट बनाया जाता था, ताकि उनका ग्रुप हर लेवल पर तरक्की कर सके। हर एक साइयन बचपन से ही उड़ने की एबिलिटी से पजेस होता था। भगवान करे काश ऐसी पावर मुझे भी मिल जाए। अब सबसे मेन कॉन्सेप्ट आता है, वो है साइयंस के टाइप्स। मोस्टली साइयंस 2 types के होते हैं, फर्स्ट एंशियंट साइयंस एंड सेकेंड मॉडर्न साइयंस। एंशियंट साइयंस का एग्जिस्टेंस बहुत सालों पहले था, पर अब मॉडर्न टाइम में उनका कोई भी एग्जिस्टेंस है ही नहीं। वो मॉडर्न साइंस से कम्प्लीटली डिफरेंट होते थे, पर उनके पास इतनी एबिलिटी होती थी कि सभी साइंस एपे फॉर्म से लेके अपने सुपर साइयन के थर्ड फॉर्म के ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते थे। एंशियंट टाइम के साइंस मॉडर्न टाइम के साइंस से ज्यादा दुष्ट होते थे, और उनका जो औरा होता था वो एक इविल औरा था, और हम उनके इविल औरे को क्लियरली देख सकते थे। मॉडर्न साइंस के सुपर साइयन थर्ड वाले फॉर्म की तरह इनका ट्रांसफॉर्मेशन कम्प्लीटली डिफरेंट होता था। इनके सुपर साइयन थर्ड वाले ट्रांसफॉर्मेशन में ये सभी एंशियंट साइंस के सुपर साइंस गोल्डन हेयर सबसे अलग लेवल से पजेस होते थे। कुछ टाइम के बाद एंशियंट साइंस से ही सुपर साइयन गॉड का भी इवॉल्व हुआ था। एंशियंट साइंस की कुछ स्पेसीज सब स्पेसीज थी, जिन्हें आगे जाके ओरिजिनली सुपर साइयन गॉड का नाम दिया गया था। ये सुपर साइयन गॉड बुरे नहीं थे, बल्कि अच्छे थे। खराब बात ये थी कि जो सुपर साइयन गॉड थे, वो गिबलेट और इविल साइयंस के हाथों मारे गए थे। उन इविल साइयंस के पास भी इतनी पोटेंशियल थी कि वो भी सुपर साइयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो सकते थे। अब आते हैं अपने मॉडर्न साइयंस के ऊपर। मॉडर्न साइंस इविल एंशियंट
सैयंस के डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। कहा तो ये भी गया है कि जो एविल सैयंस थे वो सुपर सैयन गॉड के हाथों मारे गए थे और उनको वाइप आउट कर दिया गया था। इवेंचुअली बाकी के जो सैयंस बचे थे वो प्लेनेट सडाला से प्लेनेट वेजिटा पर माइग्रेट हो गए थे एंड उसी टाइम के बीच में बचे हुए सैयंस ने फ्रीजा की टीम को ज्वाइन किया था। हालांकि वेजिटा प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय करने वाला फ्रीजा ही था। जो भी सैयंस बच गए थे उन सभी सैयंस को एक लेजेंडरी सैयंस माना गया था क्योंकि वो अपने अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैयन थर्ड को भी अचीव करने में कम्प्लीटली सक्षम थे। बिकॉज वो सभी सैयंस इविल एंशिएंट सैयंस के ब्लड से पजेस थे एंड ऑल्सो पजेस द नियो सैयंस बाय गिबलेट। इसके अलावा भी सैयंस के कुछ अननेचुरल टाइप्स भी हैं जो कि आगे जाके कुछ लोगों ने सैयंस को हराने के लिए और उनकी तरह नकल करने के लिए उनके ब्लड से अलग अलग टाइप्स के सैयंस को इवोल्व किया गया था। फॉर एग्जाम्पल अर्थलिंग हाइब्रिड सैयंस, बायो एंड्रॉइड सैयंस, गोडली सैयंस एंड टफल हाइब्रिड सैयंस और लास्ट में यूनिवर्स 6 के इवोल्व सैयंस। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर, आखिर फ्रीजा ने वेजिटा प्लेनेट को डिस्ट्रॉय क्यों किया था। सैयंस हमेशा से ही फाइटिंग और डिस्ट्रक्शन में माहिर थे। मारपीट करना सैयंस की सबसे बड़ी प्यास थी जो कि कभी न बुझने वाली प्यास थी। फ्रीजा ने उनकी इसी वीकनेस का फायदा उठाया। उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइट स्किल को देखने के बाद फ्रीजा ने उन्हें अपने अंडर काम करने का कमांड दिया। फ्रीजा उन सभी सैयंस को लड़ने के लिए अलग अलग प्लेनेट्स पर जाके फाइट करने का मौका देता था। हालांकि ये सैयंस अभी भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो फ्रीजा या फिर फ्रीजा की आर्मी का सामना कर सके, पर उनकी क्रूरता सबसे भयानक थी। फ्रीजा के कमांड पर वो डिस्ट्रक्शन फैलाते और प्लेनेट को कैप्चर करते थे। फ्रीजा के साथ काम करना उनके लिए बेस्ट ऑप्शन था क्योंकि फ्रीजा बेस्ट फाइटर को अपने पास रख लेता था, जैसा कि उसने वेजिटा के साथ किया था। सैयंस की पावर्स कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही थी, वो जितने फाइट को लड़ते वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते थे। पर एट द टाइम फ्रीजा और सैयंस के बीच में सिचुएशन बिगड़ने लगी। फ्रीजा को अब ये डर लगने लगा था कि सैयंस मेरे लिए मुसीबत बन सकते हैं। साथ में ये भी रूमर्स था कि सैयंस का एक ऐसा वॉरियर आने वाला है जो कि सुपर सैयन की पावर से पजेस होगा और वो ही फ्रीजा को भी डिफीट करेगा। हमें कभी भी ये डायरेक्टली नहीं दिखाया गया कि सैयंस के डाउनफॉल के पीछे बीरस का भी हाथ हो सकता है। बाय द वे बीरस को ऐसा करने के लिए किसी भी प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है। तो अब बचा ही क्या था, फ्रीजा और फ्रीजा की आर्मी ने किंग पैलेस के ऊपर हमला बोल दिया था। बचे हुए कुछ सैयंस ने बार्डो को खबर दी फ्रीजा के इस हमले को लेके। बार्डो कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन ले पाता पर उससे पहले ही फ्रीजा ने वेजिटा प्लेनेट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मुझे मालूम नहीं कि मैंने गलती कहां पर की, अगर कुछ मिस्टेक हुआ या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने मिस कर दिया प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।